हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेज ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आपको बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि थंबनेल में आप देख कर आए हो कि मैं सऊदी नहीं जाने वाला हूँ। जी हाँ, काफ़ी दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई सऊदी कब जाओगे, कब तक जाओगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना कर डाल देता हूँ, क्या है मैं जाने वाला हूँ या नहीं जाने वाला हूँ, आप लोगों को सीधा वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप मेरा पुराना वीडियो देख रहे होगे तो जैसे कि देख रहे होगे कि मैं अपना फ्रिज बेच दिया, कूलर बेच दिया, एसी बेच दिया, हर चीज़ एक एक चीज़ बेच दिया मैं, गद्दा रजाई सब फेंक कर आ गया। तो इस मतलब से आप लोगों को तो अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ, क्यों दोबारा नहीं जाने वाला हूँ क्या मैं, कि ये सब बेच रहा हूँ फेंक रहा हूँ। तो मैं फुल तैयारी के साथ आया था कि मैं सऊदी नहीं जाऊँगा, तो इसीलिए मैं अपना हर चीज़ बेच रहा था। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, तो मैं पहले से ही सोच लिया था कि एक बार इंडिया आ जाऊंगा तो सऊदी वापस नहीं जाऊंगा। अपना जो भी करूंगा अपना यहीं पे करूंगा, भले अपना खाने पीने लायक जो भी कमा सके कमा लेंगे, यहीं पे रहेंगे, सऊदी में नहीं जाऊंगा, यही मैं सोच कर अपना आया था। और अबू भी यही बोलते थे कि आओ यहाँ पे, यहीं पे अपना कोई बिजनेस या कोई अपना काम सेट करो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं अपना सारा सामान बेच कर आया था, क्योंकि मेरा कफील कैसा है आप लोग तो वीडियो देख के जानती होगे, देखे कि थे देखे ही थे कि शादी में बुलाया नहीं, 1000 रियाल मैंने उससे उधार मांगा कि मैं आके दे दूंगा, तो वो भी नहीं दिया, 1 रुपया उसने ज़्यादा नहीं दिया पगार के अलावा, टिकट दिया, सैलरी दिया, सैलरी के अलावा 1 रुपया उसने ज़्यादा नहीं दिया कि ये ले मेरा गिफ्ट, मेरे तरफ से गिफ्ट है अपने फैमिली में जाके खर्च करना। तो दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो बना दिया कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है बार बार कि आप भाई कब जाओगे सऊदी, भाई कब जाओगे सऊदी। तो अगर मेरे अबू जिंदा रहते अभी तक तो मैं तो कसम खा कर आया था कि मैं कभी सऊदी नहीं जाऊंगा। अभी उनका मौत हो गया है तो काफ़ी रिश्तेदार लोग बोल रहे हैं सऊदी जाओ, एक बार चले जाओ, क्योंकि अभी घर भी टूट गया है, किराए से रह रहे हो, फिर अपना फैमिली परिवार को देखना है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, यहाँ पर ट्राई मार कर देखते हैं, अगर यहाँ पर सफलता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 2-3 महीने बाद मैं सऊदी जाऊंगा। और मैं तो आया था फुल तैयारी के साथ कि सऊदी नहीं जाऊंगा, मैं सऊदी नहीं जाने वाला था बिल्कुल। यहाँ पे मैं ट्राई मार रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सफल हो गया अपना जोमेटो में चाहे किसी में भी, तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं उतने ही जितना वहाँ पे कमाता था उतने ही अगर यहाँ पे मैं कमाने लगूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। और मेरा कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रहा, मुझे तो मालूम था पहले ही कि मैं इंडिया आऊँगा, 5 साल बाद हवा पानी बदलेगा तो मेरा तबीयत ख़राब होगा, पर इतना लेट होगा नहीं मालूम था, तो वही हुआ है कि अपना तबीयत ख़राब हुआ है। तो अभी मैं इलाज करवा रहा था, अभी थोड़ा सही है, तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा थोड़ा वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूं। आप लोग कमेंट करते रहते हो कि भाई जाओगे या नहीं जाओगे, कुछ भी हो। और कुछ भाइयों लोगों का कमेंट आया कि आप लोग फैमिली में कितने हो, तो एक मैं हूँ और एक ये मेरा छोटा भाई है और एक बहन है और एक माँ है अभी बस। और अबू का तो डेथ हो गया, आप लोगों को मालूम ही है, आज से 20-25 दिन पहले। तो हम 4 परिवार हैं बस, यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अपना घर था, टूट गया, आप लोगों ने देखा ही। आप लोगों को हो सके तो नेक्स्ट वीडियो बना के डाल दूंगा मैं वहाँ का, जहाँ का टूटा है, तो आप लोग देख लेना कहाँ पे मेरा घर था, कैसे टूट गया। नहीं तो पुराना वीडियो में डाल रखा हूँ, मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके देख लो मेरा घर कब टूटा था और कैसे टूटा था और कैसा मेरा घर था। वीडियो है इस चैनल पे, आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लो। तो दोस्तों, मैं क्यों नहीं जाना चाहता सऊदी, आप लोगों का यही सवाल रहेगा। तो जैसे कि बहुत ही बेकार मेरा कफील मिल गया था, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, 70-80 वीडियो पड़ा है, देखिए मैं कितना मुश्किल से काम करता था, दोपहर में धूप में कभी खाना खाने को नहीं मिलता था तो कभी सोने को नहीं मिलता था। मैंने बहुत ही तकलीफ झेला है उधर 5 साल में, बहुत ही तकलीफ सहा है। अबू भी बोलते थे कि एक बार तू चला जा, फिर यहाँ पे दोबारा मत आना, दोबारा मुड़ के मत आना, बोले 10-5 हज़ार कम कमाना मगर कभी इधर की तरफ रुख मत करना, यही बोलते थे। वो रहते तो चाहे कुछ भी हो जाता, मुझे जाने नहीं देते, मगर अब वो नहीं है तो फिर रिश्तेदार लोग बोल के पका दिए हैं कि जाओ जाओ, ये करो वो करो। तो मैं कंफ्यूजन में हो गया हूँ कि क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। तो मैं ट्राई मार रहा हूँ, 1-2 महीना ट्राई मार रहा हूँ, देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे सफलता मिल जाता है तो नहीं जाऊँगा, अगर नहीं मिलता है तो चला जाऊँगा अपना, देखूँगा एक सफ़र और। तो यही मेरा छोटा सा ब्लॉग है कि सऊदी में जाऊँ या ना जाऊँ, आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताओ, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो कमेंट ज़्यादा आएगा उसी पर मैं अपना निर्णय लूँगा, देखूँगा किस चीज़ का ज़्यादा कमेंट आता है,
कमेंट करने से पहले आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखना और मेरा तकलीफ जानने के बाद कमेंट करना। ये मत नहीं कि ऐसी आंख बंद करके जाओ बस लिख दिया, पहले मेरा तकलीफ देखना कि मैं कैसे 5 साल, वैसे तो 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, 1 साल का ही तकलीफ देखो, 5 साल का तो आप लोग 5 साल का नहीं देख पाओगे, 5 साल का मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे काम किया है। वहाँ पे सऊदी में था तो यही है, वीडियो बनाता था मैं तो, बोलते थे कि ये है वो है, वीडियो मत बनाकर अपना, जानते ही हो अगर आप ही के घर में कोई ड्राइवर हो और आपके आपसे ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहने वीडियो बनाए उसके फॉलोअर हो तो फिर आप तो गुस्सा हो गई कि मेरा काम छोड़ के ये सब इसी में लगा रहता है, फ्री का पगार लेता है ये सब। तो ये सब लोग देखते थे कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो जानबूझ के बुला के झाड़ू पोछा लगवाते थे, अपना चाय गवा पिलवाते थे ताकि छोटा काम करवाते थे ताकि इसको पता रहे कि ये छोटा आदमी है। यही सब बर्दाश्त कर करके मेरा इसीलिए नफरत हो गया था मुझे सऊदी से, 5 साल में मुझे कभी जाना नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता था, मगर अब अपने हालात देख के मुझे लग रहा है कि कहीं जाना पड़ जाए। तो देखते हैं अभी 1-2 महीना और रह के देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सफलता मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। तो वहीं पर सऊदी में अपना वीडियो बनाएंगे, अपना किस्मत आजमाते रहेंगे, 1-1.5 साल रहेंगे फिर वापस आएंगे, ऐसे 5 साल अब लगातार नहीं रहना है, 1-1.5 साल में आते जाते रहूँगा। तो देखते हैं अब अपना राय बताइए कमेंट में। तो चलो इस वीडियो को मैं ये पेंट करता हूँ, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, वसलाम, टेक केयर।